यार बोलो। अरे कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ ये छोड़ो, तुम्हें पता है मैं परेशान हो गई हूँ ये नकली प्रेग्नेंट का नाटक करते करते। यार कब तक करूँ, जब एक महीने का पेट था तो पता नहीं चलता था, अब तो 9 महीने का है, अब कब तक ये बलून लगा के घूमूंगी। करना तो पड़ेगा ना। हाँ ये भी है, करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कब तक करूँ यार, सारी सिचुएशन मुझे ही हैंडल करनी होती है, कहीं बाहर जाऊँ तब बलून लगा के जाऊँ, और कोई सामने आ रहा है तब मुझे ही लगाना पड़ता है, मेरा पेट दर्द हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये नाटक करते करते कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ वो तो है ही। अच्छा तुम एक काम करो। हाँ ये पता लगाओ कि तुम्हारा पति कब तक आ रहा है। वो तो आने वाले हैं थोड़ी देर में, अब पता नहीं क्या होगा, बस ये सोच रही हूँ कि उन्हें पता ना चल जाए। नेहा लगता है मेरा पति आ गया, करती हूँ बाद में। नेहा अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे इंतजार कर रही थी मैं। और कैसा मेरा बच्चा? छू मत। बच्चा बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं जब फोल्डर पे रहता हूँ तो तुम यहाँ पे ठीक से रहती हो ना? हाँ हाँ, बस तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। वो क्या है ना, अकेली हो तो याद तो आएगी ना, घर में कोई और भी नहीं है। देखो कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बच्चे का ना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि पहला बारिश है मेरा। हेलो जैन सर, क्या सर पर मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। नहीं नहीं सर, मेरे लिए देश पहले है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है सर, जैन सर। क्या हुआ? नेहा एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? वो क्या है ना, सरहद पे जंग छिड़ गई और मेरे जवान भाइयों को मेरी जरूरत है, तो मुझे जाना होगा। शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मेरी छुट्टी हो। ठीक है तुम जाओ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारा देश होना चाहिए। और हाँ जल्दी आना, तुम इस बच्चे का अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। बाय। अच्छा हुआ क्यों नहीं वापिस बुला लिया, नहीं तो आज हमारा भांडा फूट ही जाता, 9 महीने की मेहनत तो ऐसी बर्बाद हो जाती। तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम डिवोर्स ले लेगी तो हम साथ तो रहेंगे ना। आंसू मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं इसलिए उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। एक बार ये बच्चा हो गया तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। कभी तुम्हारी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ना मैं ना फंस जाऊँ, मेरा हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा? वो फौजी है, उसके पास है ही क्या, 30-40 हज़ार की नौकरी करता है वो बस, उसके पास कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे उसके चक्कर में पड़ रही हो। ये जो घर देख रहे हो ना ये भी उसका ही है, और गांव में ना उसके 20 बीघा खेत है, पता है ना 20 बीघा की कीमत क्या होती है, बहुत पैसे वाला है वो। ऐसे तो ये प्रॉपर्टी हाथ से निकलने नहीं दूंगी ना, बस ये बच्चे का नाटक खत्म हो, इससे मैं ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अगर गलती से भी उसे पता चल गया ना कि कोई बच्चा बच्चा नहीं है, सिर्फ नाटक कर रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छी वाली फंस जाऊंगी। रुको मैं कुछ करता हूँ, ये देखो ये फाइल ना संभाल के रखना, इसमें ना सारे डॉक्यूमेंट है पूरे 9 महीने के जो कि मैंने बनाए हैं। आंसू मैं इन सब का क्या करूंगी, अगर उसने गलती से भी देख लिया ना, अगर मान लो कहीं से भी उसे पता चल गया पेट ही नहीं है, तो फिर डॉक्यूमेंट करेंगे क्या? टेंशन क्यों ले रही हो, मैं सब अरेंज कर लूंगा ना। और मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगी, प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए बच्चा तो दिखाना ही पड़ेगा ना, अभी बच्चा भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स और ये डॉक्यूमेंट यही बना सकता हूँ, बच्चे का मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चा कहाँ से लेके आऊंगा? हाँ तुम कर सकते हो ना, तुम एक बच्चा अरेंज कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारी भाभियाँ भी होंगी ना, उनके बच्चे होंगे, एक आध बच्चा उठा के ले आना। क्या जा रहे हैं यार, तुम ना मरवा दोगी, अगर मेरा हॉस्पिटल बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीनू तुम बच्चा कहाँ गया, डिलीवरी हो गई क्या? अब देखो मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी सब ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया है। अड़ोसी पड़ोसी? हाँ, और मैंने खुद भी देख लिया, उनका तो भरोसा नहीं था मुझे, लेकिन आज मुझे भरोसा करना पड़ा। रूबी दीदी
हाँ भाई, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तेरी बीबी का खुलासा करूँ। तुम वहाँ बॉर्डर पर जंग लड़ते हो, तुम्हारी बीबी इससे लड़ती है उस बच्चे के लिए जो कि नकली बच्चा है। कभी मैं देखती हूँ उसका पेट नहीं होता, कभी होता है। अरे अचानक इसके दर्द होता है, कहती है बहुत लोगों के आगे ड्रामा करके पार्क में जाती है लेडीज के सामने। नहीं नहीं, मुझसे तो चला नहीं जा रहा, मैं घर जा रही हूँ। और अब मुझे पता चला मैंने तो बहुत नजर रखने की कोशिश करी और ये लड़का बार बार तुम्हारे घर आता था। बार बार मैं सोचती ऐसा क्या चक्कर चलता है, तेरी शादी वादी ना हुई क्या? शादीशुदा औरतों के घर में आ रहा है, क्यों आता है यहाँ पे? क्या चक्कर है तुम दोनों का? तभी मुझे लगा कि इनसे क्या पूछूं, खुद ही देख लूं। पता चला इसका आशिक है। अपने घर जाओ यहाँ से, समझे? दूसरों का घर तोड़वाना बंद करो। एक तो खुद का घर नहीं बसा, दूसरों का घर जाओ। चुप करो, खुद से खुद का घर तोड़ रही हो, इल्जाम दूसरों पे लगा रही हो, खुद दूसरी जगह मुंह मार रही हो और अपने पति को कह रही हो मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ। मैडम हमारा काम नहीं है ये सब करने का, हमारी तो शादी हो रखी है। इतना भड़का रही है मेरे पास। हो जाओ, बिल्कुल सही कह रही है, वो कोई भड़का नहीं रही है। देख लिया भाई साहब, आपकी बीबी कैसे मुझसे मुंह चोरी कर रही है, गलती खुद करती है और इल्जाम दूसरों पे डालती है। अरे बहन जी, मेरी आदत नहीं है ऐसी लोगों के घर में आग लगाने की। अरे आपका काम है जले हुए पे घी डालना, आप कर दो, अपने पति को धोखा दे रहे हो। मुंह काला करवा के दूसरों को बोल रही है मेरे घर में मत आओ। भैया देख लो अपनी बीबी को, जो करना करो, मेरा काम तो आपके कानों में बांट डालना। मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैंने ये सब किया मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देख क्या आज तुम्हारा प्यार दिखा मुझे, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छे से आज। सारी बातें सुनी मैंने तुम्हारी, कि पैसों के लिए मेरे साथ हो, मेरी प्रॉपर्टी बहुत पसंद है तुम्हें। अरे ऐसे ही बोल देती तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो धोखा देना था ना। सच्चा प्यार जो किया था मैंने तुमसे, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं फौज में देश के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अपने घर वालों से कभी नहीं लड़ पाया। तुम्हें पता है तुम्हें लेके ना मैंने अपनी फैमिली तक से लड़ाई की है। इतना सच्चा प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया, आशिक बनाए मेरे पीठ के पीछे। बहुत दर्द होता है जब इंसान सच्चा प्यार करता है किसी से और उसका आशिक उसके सामने देखता है। जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो उससे उसको उम्मीदें भी होती है, लेकिन तुमने आज मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। तुम्हें पता है ये जो दीदी आई थी, इन्होंने मुझे कई बार बोला कि तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं इनको पागल समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये झूठ बोल रही है, हमारा घर तोड़वाना चाहती है। मुझे पता नहीं था ये जो कुछ भी बोल रही है सब कुछ सच है। अरे कितनी उम्मीदों से मैं घर आया था, इतने सालों बाद, एक साल के बाद एक छुट्टी मिली थी मुझे, जो मैं अपनी फैमिली के साथ बिता सकता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली को तो टाइम चाहिए ही नहीं, पैसा चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए। सुनो प्लीज माफ कर दो, हो गई ना गलती, सबसे हो जाती है। मैं इससे बात तक नहीं करूंगी, और जैसा तुम बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी। मैं बाहर भी बिल्कुल सही कहा तुमने, ये सब तो तुम करोगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मेरे जाते ही फिर से तुम्हारा वही स्टार्ट हो जाएगा। और ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे मत दिखाओ, दो मिनट में ना तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ मैं कि असली रंग क्या है तुम्हारा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, अपनी लाइफ की सबसे सीरियस मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये कि मैंने तुमसे शादी की और तुम पे भरोसा किया। अब मुझे माफ करो और निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि मेरे घर में ना ऐसी औरत तो कभी नहीं रह सकती जिसे अपने पति से प्यार ना हो। निकल जाओ। और हाँ भाई साहब, आप भी जाइए, ये घर आपके बाप का नहीं है।